हर इंसान अपने घर परिवार को चलाने के लिए काम करता है और उस काम को वो करके जो भी उसे सैलरी मिलती है उसका कुछ हिस्सा वो सेविंग के लिए अपने बैंक में जमा करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप जितना पैसा बैंक में जमा करते हो उतना तो आप निकाल भी लेते हो, तो उसमें बैंक को क्या फ़ायदा हुआ? उल्टा बैंक आपको सेविंग का कुछ परसेंट इंटरेस्ट भी देती है, तो आखिर बैंक ने कमाया क्या? इसमें बैंक का क्या फ़ायदा हुआ? बैंक को अपने एम्प्लॉयज और स्टाफ को सैलरी भी देनी होती है। बैंक मेंटेनेंस के लिए कंप्यूटर और बिजली का बिल, आखिर ये सारा पैसा बैंक लाती कहाँ से है? आखिर बैंक पैसा कमाती कैसे है? तो आज इस वीडियो में हम केवल उन्हीं तरीकों की बात करेंगे जहाँ से बैंक मोटा पैसा कमाती है। नंबर वन, बैंक अर्न मनी फ्रॉम योर मनी। दोस्तों, बैंक हमारे ही जमा किए गए पैसों से पैसा कमाता है। दोस्तों जरा सोचिए, सिर्फ इंडिया में ही सभी लोग बैंकों में पैसा जमा करते होंगे और ऐसा करके बैंक के पास काफ़ी भारी मात्रा में पैसे आ जाते होंगे, और बैंक इतने पैसों को रखेगा तो नहीं, इसलिए बैंक सभी लोगों के सेविंग्स में से कुछ परसेंट कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देता है, और यहीं से बैंकों का पहला सोर्स पैसा इन्वेस्ट करके वहाँ से प्रॉफिट कमाने का है। यदि सभी लोग एक साथ बैंक अपने अपने पैसे निकालने के लिए चले जाएं तो बैंक सभी के पैसे नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो लोग लगभग 50-60% कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट कर चुके होते हैं। नंबर टू, बैंक प्रोवाइड लोन सर्विस एंड अर्न मनी। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी चाहिए कि इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, ट्रेडिंग कैसे होती है, शेयर मार्केट होता क्या है, तो इसके लिए एक ज़बरदस्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको बिगिनर से एडवांस लेवल तक सभी कोर्सेस मिल जाएंगे। ये सारे कोर्सेस NSE, MCX और NCDEX से सर्टिफाइड है। इस कोर्स में एक्सपर्ट्स वेबिनार भी करते हैं, और ये सारे कोर्सेज आपको अलग अलग लैंग्वेजेस में भी मिल जाएंगे। इसमें एक 999 का एक कोर्स है जिसमें अगर आपको शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता है तो वो भी आप सीख लोगे, लेकिन अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हो तो आपको ये कोर्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। लेकिन कैसे? डिस्क्रिप्शन में आपको इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आपको 999 रुपये वाले कोर्स को इनरोल कर लेना है। उसके बाद अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको 999 रुपये पे नहीं करना है, आपको बस वहाँ ऑफर में किक फैक्ट ये कूपन कोड टाइप करना है। उसके बाद ये कोर्स आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे और इसकी वैलिडिटी 3 साल तक है, तो अभी इस कोर्स को ज़रूर ले लेना। फ्री में कुछ मिल रहा है तो क्यों छोड़ना। और हाँ, प्ले स्टोर पर e-learn markets की एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, जो कि था लोन। दोस्तों, बैंक आपके पैसों वही दूसरे लोगों को लोन देती है। बैंक गोल्ड लोन, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, ऐसे ही कई तरह के लोन देती है, जिसके लिए बैंक 10-15% तक इंटरेस्ट चार्ज करती है, और ये सारा इंटरेस्ट बैंक की कमाई होता है। नंबर थ्री, सर्विस चार्ज ऑफ बैंक। दोस्तों, बैंक सर्विस प्रोवाइड करने के आपसे कई तरह के चार्जेस भी लेती है। बैंक SMS चार्ज, मनी ट्रांसफ़र चार्ज लेती है। इसके अलावा बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी अर्निंग जनरेट करती है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड इशू कराने की भी बैंक चार्ज लेती है, और सालाना इसके मेंटेनेंस का भी चार्ज लेती है, और अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो उसका भी आपको फाइन देना पड़ता है। ATM या डेबिट कार्ड के लिए भी बैंक कुछ चार्ज करती है। इसके अलावा बैंक चेकबुक के लिए भी कुछ फ़ी लेती है, और अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है तो उसका भी बैंक कुछ चार्ज लेती है। बैंक ये सारा चार्ज अपने ग्राहकों से लेती है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। नंबर फोर, अर्निंग फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज। दोस्तों, अगर आपके बैंक में पैसा किसी भी अदर कंट्री से आता है तो बैंक उस अमाउंट में से कुछ परसेंट अपने पास रखती है। हम यूट्यूबर्स की भी अर्निंग बाहर की कंट्री से आती है, जिसमें से बैंक कुछ परसेंट अपने पास रख लेती है। इसे भी बैंक की काफ़ी अर्निंग जनरेट होती है। इसके अलावा बैंक में आपको मिनिमम बैलेंस रखना होता है, जो कि आप कभी निकाल नहीं सकते, यानी ये सारा पैसा बैंक का ही हो जाता है।
और बैंक इंटरनेट बैंकिंग का भी पैसा चार्ज करती है। इसके अलावा बैंक लॉकर की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसके लिए वो कुछ अमाउंट चार्ज करती है, और बैंक इंश्योरेंस भी बेचती है, और हमारे पैसों को कई जगह शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है। मतलब कि बैंक हमारे पैसों को ही यूज़ करके अपनी अर्निंग करता है। तो ऐसे ही कुछ छोटे बड़े सोर्सेज से बैंक पैसा कमाती है। तो अब तक आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि बैंक कैसे अर्निंग करती है। दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके अकाउंट कौन से बैंक में है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आपके स्क्रीन पर दो वीडियो और दिख रही होगी, दोनों वीडियो बहुत मस्त है, वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को ज़रूर देख लें।